समय जो है सो उत्तम से उत्तम बिताना चाहिए। ईश्वर ने हम लोगों को जो शक्ति दी है, विवेक दिया है, जो ज्ञान दिया है, जो बल दिया है, ऐश्वर्य दिया है, इसका उपयोग ठीक करना चाहिए। ये सब हम लोगों को क्यों दिए हैं? आत्मा के उद्धार के लिए। और हम लोग इसका दुरुपयोग करें तो इसका फल जो है सो हमारे लिए खतरनाक है। समय का उपयोग भी ठीक करना चाहिए, एक क्षण भी फालतू काम के मां नहीं बिताने चाहिए। शरीर का कोई भरोसा नहीं है, नेमार अचानक मृत्यु कब आकर प्राप्त हो जावे। यदि आज हमारी मृत्यु प्राप्त हो जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि आज नहीं चलेंगे, कल चलेंगे, अभी जाना होगा। और हमको या हम लोगों को किसी को पता भी नहीं है कि हमारा कब जाना पड़े। और यहाँ से रोना होने के बाद अपने यहाँ कोई भी संबंध इस जीव का नहीं रहता, तो हम रात और दिन इतने भागते दौड़ते रहते हैं और मरने का कोई ठिकाना नहीं। क्षण मात्र के मां चाहे जब भी प्राण निकल सकते हैं, फिर हमारा कौन? और इस संसार के मां इस धन से और जन से इससे हमारा क्या प्रयोजन है? जबकि इस देह से हमारा कोई प्रयोजन नहीं, तो धन और जन की बात तो दूर ही। तो हम लोग एक माया रूपी मद पान करके ऐसे उन्मंत हो रहे हैं कि हम लोगों को अपना पूर्वा परिवेश नहीं दिखता। जैसे मदरा पीने वाले को कुछ नहीं सूझता, हमारा सारा जो समय है वो परमात्मा की प्राप्ति के काम में ही लगना चाहिए। और हमारी सारी चेष्टा साधन के रूप में बन जाए, ऐसी चेष्टा करनी चाहिए। शरीर की, मन की, वाणी की कोई भी हमारी क्रिया व्यर्थ की नहीं होनी चाहिए और पापमय नहीं होनी चाहिए। किंतु सूक्ष्मता से विचार करके देखा जाता है तो हमारे शरीर की क्रिया, वाणी की क्रिया, मन की क्रिया बहुत सी ऐसी होती है जो कोई काम की नहीं। बहुत दफा हम लोग फालतू बातें करते हैं, बल्कि कभी कभी तो लोगों की निंदा करते हैं जो पापमय है, जिसका फल हमारे लिए पतन का हेतु होता है, यानी हमारे लिए फल बहुत ही खराब होता है। मन की क्रिया तो अधिकांश के बीच के वहां फालतू होती रहती है, जिससे कोई हमारा संबंध नहीं, इस प्रकार की पूर्ण होती रहती है। मन कहीं का कहीं चला जाता है, कलकत्ता बंबई कोई ठिकाना नहीं, और फालतू चिंतन करता है। हम लोगों को बुद्धि के द्वारा विचार करना चाहिए कि अपना ऐसा अमूल्य समय व्यर्थ क्यों जाए। भगवान ने गीता में बताया।
उद्भेद आत्मा आत्मानंद, आत्मा के द्वारा आत्मा का उद्धार करना चाहिए, कल्याण करना चाहिए आत्मा के द्वारा आत्मा का, नया अवसाद ये, और पतन नहीं करना चाहिए अपने आप का, अपने आप के द्वारा पतन नहीं करना। वही पुरुष महामूर्ख है जो खुद अपने आप का आप ही पतन करता है। अपने आप का आप ही पतन करना क्या, कि जिस साधन को जिस क्रिया को हम खराब समझते हैं, व्यर्थ समझते हैं, ऐसा समझ करके भी हम उस काम को करते हैं, यही अपने आप के द्वारा अपने आप का पतन है। जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, हिंसा करना, जुआ खेलना आदि जो पाप कर्म है, और इसको हम बुरा समझते हैं और फिर भी करते हैं, तो ये अपने आप के द्वारा अपने आप का पतन है। हम खुद अपनी दृष्टि से गिर जाते हैं, दूसरों की दृष्टि से तो गिरते ही हैं, किंतु हमारी आत्मा खुद कहती है कि ये बुरा काम है, और फिर उसको हम करते हैं तो हम अपनी दृष्टि से भी गिर गए। और भी हमारा समय हम समझ करके जो फालतू बिताते हैं, जैसे निद्रा है, आलस है, प्रमाद है, ये अपने आप के द्वारा अपने आप का पतन है। इसी प्रकार से कि आसुरी संपदा के वहां जो दुर्गुण बतलाए हैं, उन दुर्गुणों का हम सेवन करते हैं, तो वो भी हम अपने आप के द्वारा अपने आप का पतन करते हैं। दुर्गुण क्या, जैसे दम्भो दर्पो भी मानस क्रोध है पारुष देव तो अज्ञान जात पार्थ संपद मासुरी। दम जो पाखंड है, और जो दर्प माने घमंड और अभिमान, और क्रोध और कठोर वचन और अज्ञानता, ये सब आसुरी संपदा। ऐसा समझ करके हम काम क्रोध लोभ अहंकार राग द्वेष आदि जो दुर्गुण है उनका संग्रह करते हैं, तो हमारे भीतर में उसका हम त्याग नहीं करते हैं, तो ये उनको एक प्रोत्साहन करना है, पोषण करना है, यही मूर्खता है। तो विवेक और बुद्धि के द्वारा इन सब दुश्मनों को जो हम लोगों के हृदय में स्थित है एकदम निकाल देना चाहिए, और भगवान इसके माँ हमको पूरी मदद कर, भगवान न्यायकारी है, कोई भी उसके सामने दरखास्त करेगा तो भगवान कहेंगे ठीक है, ये इन शरीर इनका घर है तो इसे तुम हट जा, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। दूसरे के मकान में कोई अपने हाथे जमा लेता है तो सरकार में नाश करने के बाद वो बहुत उसको हटना ही पड़ता है। इन सब को हटा करके अंतकरणों को शुद्ध बनाना चाहिए, और भी हमारे हृदय के बीच के वहां मल विक्षेप आवरणों का जो दोष है ये भी हमारे लिए खतरनाक है। मल विक्षेप आवरण क्या, कि जैसे कोई एक तालाब है और उस तालाब का जल है तो मैला है, और हवा से वो हिलता भी है, और उसके ऊपर कौमोदरी छाई हुई है, तो समझना चाहिए कि तालाब की जू तो हम लोगों का हृदय है, और उसके बीच के मां ये संसार जो है ये उसके मां जल भरा हुआ है, और इस जल के मां जो मैलापना है ये मल दोष है। हृदय के मां जो मैला माने दुर्गुण दुराचारों का समूह ये मल दोष है, और जल का जो हिलना है तालाब के मां, जैसे चित्त का जो विक्षेप है, चित्त की जो चंचलता है ये सुविक्षेप दोष है, और अंतःकरण के ऊपर जो अज्ञान का आवरण है ये सो आवरण दोष है। जैसे तालाब के जल के ऊपर कमोदिनी है तो वो कमोदिनी से तालाब जो सो ढका हुआ सा है, और हवा से जल हिलता है, और विषय भोग रूपी हवा है जो एक प्रकार से जल को हलाती रहती है, और दुर्गुण और दुराचारों का जो समूह आश्रय संपदा का ये इस मल दोष है।
जैसे तालाब के जल के मां मैला पड़ा, तो मल विक्षेप आवरण इन तीनों दोषों के नाश के लिए, मल दोष के नाश के लिए स्वार्थ का त्याग करके निष्काम भाव से कर्मों का करना और भगवान के नाम का जप करना, तो भगवान के भजन से निष्काम कर्म से मल दोष का नाश हो जाता है। और भी जितने पुण्य कर्म है, तीर्थ करना, व्रत करना, तप करना, जप करना, ये सब जितने जो कर्म, ये सारे कर्म जब निष्काम भाव से किए जाते हैं तो उससे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और भगवान के नाम के जप करने से भी मल दोष का यानी सारे पापों का नाश हो जाता है। और विक्षेप के नाश के लिए भगवान का ध्यान सबसे बढ़कर के साधन, इसकी जो चंचलता है इसको मिटाने के लिए भगवान का ध्यान है, बहुत ही उत्तम चीज है। और जो अज्ञान का पर्दा है जिसको आवरण का दोष कहते हैं, इस आवरण को हटाने के वास्ते सत्पुरुषों का संग और सत्शास्त्रों का अध्ययन, अनुशीलन शास्त्रों का, इससे बुद्धि तेज होकर के, सूक्ष्म होकर के, और ये दोष जो सो मिट जाते। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्यावर रामचंद्र की जय, मार मुक्त वंशी वाले की जय। तो अपना जो समय है इसको काम में लेना चाहिए। ईश्वर ने जो हम लोगों को ये सब पदार्थ जो दिए हैं, मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर और शरीर के मां बल, बुद्धि में विवेक, ज्ञान और ये ईश्वर और कुटुंब, आत्मा के उद्धार के लिए दिए हैं। इनका हम उपयोग ठीक करें तो इस आत्मा का उद्धार हो जाता है, और इसका हम उपयोग विपरीत करें, अनुचित इनका प्रयोग करें तो उसका फल नरक होता है। किसी भी विषय में आप विचार करके देखिए, मन बुद्धि इंद्रियों को जो संसार के सन्मुख रखें तो ये सब हमारे पतन के हेतु हैं, और भगवान के सन्मुख रखें तो भगवान के दर्शन होकर के आत्मा का उद्धार हो सकता है। तो ये ख्याल करना चाहिए, संसार को सन्मुख रखना क्या, कि हम आंखों से संसार को देख रहे हैं, कानों से संसार की बातों को सुन रहे हैं, वाणी से संसार की बात ही कह रहे हैं, हाथों से संसारी काम ही कर रहे हैं, मन से संसार का ही ध्यान कर रहे हैं, बुद्धि से संसार के विषय का निश्चय कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए महान पतन का हेतु है। और इसके विपरीत इन सब को हम भगवान के सन्मुख कर देवें और संसार को पीठ दे देवें। इंद्रिय जो है, मन बुद्धि, इनके जो सन्मुख है एक प्रकार से, क्या सन्मुख है, संसार। तो ये चीज हमारे लिए खतरे की, और यदि भगवान सम्मुख हो तो बेड़ा पार है। तो नेत्रों से
हम भगवान के दर्शन करें, कानों से भगवान के प्रेम प्रभात ऐसी बातों को सुने और मन से उस सुनी बात का मनन करें और बुद्धि से निश्चय इच्छाभूत कि ये ठीक बात एकदम सच्ची है ऐसा निश्चय करें और जो बात सुनी जाती है समझी जाती है उसी के अनुसार अपने जीवन को बनाएं। अपने जो हाथ है पैर है ये सब भगवान की प्राप्ति में लगा देवे तो बहुत जल्दी कल्याण हो सकता है। हाथों से थी तो हम लोगों को दूसरों की सेवा करनी चाहिए, दान देना चाहिए, उपकार करना चाहिए, उत्तम कर्म करने चाहिए, जप करना, दान देना, तप करना, पिताजी के हाथों से एक प्रकार से करें, हाथ इन काम में लगा दें। और कानों को भगवान के गुण प्रभाव रहस्य की बातों में लगा देवें, भक्ति ज्ञान वैराग के विषय की बातों को सुनने में लगा देवें कानों को, तो कान पवित्र होकर के हमारे को परमात्मा की प्राप्ति में पूरी मदद देवे। और नेत्रों से हम सर्वत्र भगवान को ही देखें, हमारे नेत्र हर वक्त खिले रहे और हमारी आत्मा का शीघ्र ही उद्धार हो जाए। और कानों से ऐसे ही और भी बढ़िया बढ़िया बात सुने, भगवान के नाम की, रूप की, लीला की, राम की, और सुन सुन करके मुग्ध हुए और मन से उस परमात्मा का ध्यान करें और बुद्धि से उसका सुनिश्चय करें, ये भगवान को सन्मुख करना है। भगवान को ही हम देखें, भगवान की बातें सुने, भगवान की बातें वाणी से कहें और भगवान का ही ध्यान करें, सारी हमारी इंद्रियां मन बुद्धि सब भगवान में लगा दें तो भगवान की प्राप्ति शीघ्र हो सकती है। जैसे संसार की प्राप्ति हो रही है इससे भी जल्दी भगवान की प्राप्ति हो सकती। ऐसे अपने शरीर का जो बल है उसको भी भगवान के काम में लगा दें तो बेड़ा पार है। मन और बुद्धि के मां बल को बढ़ावें तो ये हमारी आत्मा के लिए बहुत ही सहायक है। मन और इंद्रियों को अपने कंट्रोल के मां रख करके इससे समझो कि उत्तम काम लेवें तो ये हमारी आत्मा के कल्याण का बहुत सरल उपाय है। मन बुद्धि इंद्रियों का प्रयोग हम परमात्मा की तरफ करें, परमात्मा का भजन ध्यान करें, उसी काम में सब इंद्रिय मन को लगा देने तो बहुत जल्दी काम हो जाए। और इन सब चीजों को इसके विपरीत लगाने तो पतन हो ही रहा है। हमारे शरीर का जो बल है उस शरीर के बल को हम समझो कि खूब कस करके ईश्वर की भक्ति करें, उपासना करें और अपना जीवन सदाचार में लगा देने निष्काम भाव से तो मुक्ति का देने वाला हो जाता है। उसी शरीर के बल को हम खोटे काम में लगावें, भोग में, पाप में लगावें या प्रमाद में लगावें तो वो हमारा बल नरक के देने वाला होता है। समझो हम अपने बल को एक तो साधन के मासो लगावें, साधने के काम में बल को लगावें और एक दूसरे का अनिष्ट करने के काम में लगावें तो दिन रात का बीच है। दूसरों का अनिष्ट करने से तो उसे उनको नरक की प्राप्ति होती है और सत्काम के मां भजन ध्यान में मन को लगावें, बल को लगावें तो उससे आत्मा कल्याण होता है। इसी प्रकार से जो हमारे में विवेक है, बुद्धि है, उसके विषय में ऐसा ही समझना चाहिए, उस विवेक और बुद्धि को दूसरे के अनिष्ट करने के लिए लगावें तो उसका फल नरक होता है और उसको भगवान के भक्ति में, ज्ञान में, वैराग में, इन कामों के मां लगावें, भगवान के तत्व समझने में लगावें तो उससे हमारी मुक्ति हो सकती है, हमारा कल्याण हो सकता है। इसी प्रकार से रुपयों की बात है, हम रुपयों के द्वारा पाप करें
उसे नरक मिलता, उसका फल नरक है। और उन्हीं रीतियों से हम समझो कि दुखियों की, अनाथों की, साधुओं की, महापुरुषों की सेवा करें, उनकी सेवा के काम में लगा दें और निष्काम भाव से लगा दें, तो हमारी आत्मा का सुधार हो सकती है, शीघ्र उद्धार हो सकता है। तो ये मनुष्य अपने आत्मा का चाहे तो उद्धार कर सके और चाहे तो पतन कर सके। अपना मन, बुद्धि और इंद्रियां ये जीते हुए हैं तो हमारी आत्मा के कल्याण में सहायक है, और ये नहीं जीते हुए तो हमारे पतन के बीच के वहां मदद करने वाले, यानी पतन की हेतु हो जाती। तो जो कुछ हमारे अधिकार के वहां है उसको परोपकार में लगाना चाहिए और ईश्वर की भक्ति के वहां और ज्ञान वैराग्य के बीच, ज्ञान स्थिति शरीर में समझो की भी आपने जागृति होती है, चेतनता होती है, उसे हर एक बात को हम समझ सकते हैं। वो परमात्मा शुद्ध हुई, तीक्ष्ण हुई, स्थिर हुई बुद्धि से समझा जाता है, तो हम लोगों को अपनी बुद्धि को जो है सूक्ष्म बनानी चाहिए, पवित्र बनानी चाहिए, तीक्ष्ण और सूक्ष्म और शुद्ध और स्थिर, तो वो हमारे लिए मुक्ति के देने वाली हो जाती है। और उस बुद्धि को हम संसारिक मिथ्या काम के बीच के वहां रुपया कमाने में, पाप करने में लगा देते हैं, तो उसका फल हमारे को नरक होता है। क्योंकि रुपया कमाने में बहुत से पाप करने पड़ते हैं, पाप का फल नरक होता है। तो बुद्धि को कभी कुमार्ग में नहीं लगाना चाहिए। जो मन ही हमारा मित्र है, जीता हुआ जो मन है वो अपना मित्र है, और जो अपना मन कंट्रोल में नहीं है, नहीं जीता हुआ है, या इंद्रिया हमारी नहीं जीती हुई है, तो खतरे की चीज। तो हर एक माता बहनों को, भाइयों को ये विचार करना चाहिए कि जिस काम के लिए हम लोग आए हैं उस काम को शीघ्र तीघ्र बना लेना चाहिए, और ये मन, बुद्धि, इंद्रियां हमको मदद देने के लिए तैयार है, महात्मा लोग मदद देने के लिए तैयार है, ईश्वर सु मदद देने के लिए तैयार है, शास्त्र मदद देने के लिए तैयार है, चारों तरफ से समझो कि हम लोगों को सहायता मिलने की बोछार एक उसे आ रही, और फिर भी हम परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रहे और बिना परम पद लाभ के यहाँ संसार से जाने, तो हमारे लिए दुख की बात है, शोक की बात है, लज्जा की बात है, भय की बात है। मनुष्य को अपनी उत्तरोत्तर उन्नति करनी चाहिए और उसमें कभी संतोष नहीं करना चाहिए। जैसे लोभी आदमी के पास में कितना रुपया हो जाओ वो संतोष नहीं करता, हजार हो तो लाख इच्छा करता है, लाख हो तो पांच लाख की, पांच लाख हो तो दस लाख की, बीस लाख की, उसकी कोई ओड ही नहीं। इसी प्रकार से हम लोगों को तत्परता के साथ के बीच में अपना समय उच्च कोटि के वहां बिताना चाहिए, जो आगे जाकर के हम लोगों को घोर पश्चाताप करना न पड़े। तुलसीदास जी कहते हैं, सो परत्र दुख पावही, सिर धोने धोने पसीताय, कालही करमहि ईश्वर की विचार दो सब गाय सियावर। जो इस समय के मन नहीं चेतेगा उसको आगे जाकर के घोर पश्चाताप करना पड़ेगा, सिर्फ धुन धुन गिर के पश्चाताप करना पड़ेगा, और वह पुरुष काल कर्म और ईश्वर के माथे पर झूठा दोष सो लगा। काल के ऊपर ये दोष लगाना कि कलयुग आ गया इसलिए हम अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सके,
और कर्म पर अपने तकदीर पर यह दोष लगाना कि हमारे तकदीर में ये बात लिखी हुई, और ईश्वर के ऊपर दोष लगाना कि ईश्वर तने ऐसा क्या जुर्म कर दिया। और दोष सारा इसका खुद का है। इस प्रकार से समझ करके कि और समय का जो उपयोग है वो उच्च से उच्च होना चाहिए। जब ईश्वर ने हमारे को विवेक दी, बुद्धि दी, ज्ञान दिया, तो ये सब क्या काम आएंगे। हम सावधानी के साथ अपना समय बितावें तो अपनी आत्मा का सुधार होकर के उद्धार बहुत शीघ्र हो सकता है। माता भाई लोग एकांत के वहां बैठ करके जो अपना जप ध्यान करते हैं, सत्संग स्वाध्याय करते हैं, स्तुति प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका जो सुधार किया जावे तो बहुत थोड़े समय के मां समझो अंतकरण शुद्ध होकर के परमात्मा में प्राप्त हो सकती है। और जिस प्रकार से हम लोग चलते हैं उसमें तो वर्षों के वर्ष लग जाते हैं, और फिर भी समझे है कि कल्याण होगा या नहीं। आप जब एकांत के बीच के वहां जब ध्यान पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं तो उस समय में तो उस समय उस आपने नियत है धर्म में कृत के लिए अपने समझो कि नित साधन कहो, नित नियम कहो, जो हमारी एक क्षण भी व्यर्थ काम के माने बीते, हमारा साधन भी खूब दामी से दामी होना चाहिए। उतने ही समय के बीच के मां थोड़ा हम ख्याल करके कि सावधानी के साथ में समय बिताने तो उससे हमको बहुत लाभ हो सकता है। और जैसे गाफिलता से समय बिता रहे हैं ऐसे बिताते हमें तो इसका नतीजा हम लोगों के लिए बड़ा खराब। समय को सार्थक करना चाहिए। एकांत में बैठ करके जब ध्यान करें, पूजा पाठ करें तो किस प्रकार से उस कुर्ति का हम बढ़ावे तो उच्च भाव से, और वो भाव आपके ऊपर निर्भर है। आपका भाव आपके ही अधीन है, दूसरे के किसके अधीन होगा। जैसे प्रेम भाव है, श्रद्धा है, विश्वास है, निष्काम भाव है, तो इस भाव तो एकांत के मां बैठ करके हम लोग जो जप करते हैं उस जप को दामी बनाना चाहिए। उतने ही समय दामी कैसे, कि जप का तार नहीं टूटना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। और जब करने के समय में किसका जब करते हैं उसे अपने इष्ट देव की स्मृति साथ साथ में रहनी चाहिए कि जिसके नाम का हम जब करते हैं। जैसे कोई राम नाम का जब करते हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसा याद आने चाहिए, तो जब बड़ा दामी समझेगा। और जब निरंतर होना चाहिए, और जब ऐसा श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए, श्रद्धा से भक्ति से, या यूं कहिए श्रद्धा प्रेम से करना चाहिए। इस प्रकार का जो जप है निष्काम भाव से करना चाहिए। तो नाम का जप निरंतर करना, भगवान को याद रखना और निष्काम भाव से करना, श्रद्धा भक्ति पूर्वक करना, उनका तार नहीं टूट देना, इस प्रकार का जो जब एक प्रकार से रोज आधा घंटा भी हुए तो आप देखो कितना आनंद आ सकता है। नारायण 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 श्रीवल 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 नारायण नारायण।
नारायण श्रीमल नारायण नारायण श्रीमल नारायण नारायण श्रीमल नारायण 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 அனந்தாய் அனந்தாய் பூர்ணானந்த் அபாரானந்த் சாந்தானந்த் கணானந்த் அச்சலானந்த் துருவானந்த் நித்யானந்த் புதசிருவானந்த் ஞானசிருவானந்த் ஆனந்தியானந்த் ஆனந்தியானந்த் சாந்தி சாந்தி சாந்தி.